नशे के गढ़ बद्रोहा में नौजवान पीढ़ी को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इंदौरा के थपकोर गांव में रहने वाले 41 वर्षीय राजीव वशिष्ठ ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए कमर कस ली है। उनका कहना है कि वे युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति उत्साहित कर रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान नशे में न होकर खेलों के प्रति हो। राजीव वशिष्ठ ने बताया कि इस नशे के गढ़ में रोज सुबह लगभग 200 युवा भागते और कसरत करने आते हैं, जो कि पहले एक भी युवा सड़क पर कसरत करते हुए नहीं दिखता था। नशे के गढ़ बद्रोहा में नौजवान पीढ़ी को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इंदौरा के थपकोर गांव के रहने वाले 41 वर्षीय राजीव वशिष्ठ ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए कमर कस ली है। उनका कहना है कि वे युवा पीढ़ी को खेलों के लिए प्रति उत्साहित कर रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान नशे में ना होकर खेलों के प्रति हो। राजीव वशिष्ठ ने बताया कि इस नशे के गढ़ में रोज सुबह लगभग 200 युवा भागते और कसरत करने आते हैं, जो कि पहले एक भी युवा सड़क पर कसरत करते हुए नहीं दिखता था। राजीव वशिष्ठ ने इसमें डेनकवर स्कूल में बतौर हिंदी प्रवक्ता की पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे साथ युवा लड़के हर रोज देर रात तक अलग अलग टोलियों में सड़क पर घूमते रहते हैं और निगाह रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन ना करे और इससे बचे। कई लोगों को जो कि नशा बेचते हैं उनको पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया जा चुका है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजीव वशिष्ठ पर हर समय खतरा मंडराता रहता है। पता नहीं कब नशे के कारोबारी उन पर हमला कर दे, परंतु फिर भी उनका एक ही लक्ष्य है कि वे युवा पीढ़ी को किसी भी हालत में नशे से दूर रखें। कुछ दिन पहले मेरे रिक्वेस्ट करने पर कांगड़ा वॉलीबॉल एसोसिएशन संघ ने यहाँ पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराने का, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराने का फैसला किया। इस पर वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारा यह भी मोटिव रहता है कि हमारा जो बद्रोहा है ये नशे का गढ़ बन चुका है। सिर्फ खेल कूद के द्वारा ही हम बच्चों को नशे से दूर कर खेल कूद की तरफ लाकर इन बुराइयों से हम इसको दूर रख सकते हैं। और यहाँ पर पिछले 4 दिन से वॉलीबॉल कैंप लगा हुआ है। जो टीम यहाँ से जो टीम तैयार होगी वो हमारी 11 तारीख को रोडू के लिए यहाँ पर सीनियर वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, वह उसमें वो भाग लेगी। वॉलीबॉल पीढ़ी के लिए यहाँ पर पूरे हिमाचल में अगर गढ़ माना जाता तो बद्रोहा और शनि माना जाता है। पुलिस भी इसको खत्म करने का प्रयास कर रही है, उसके साथ साथ हम लोग खेल कूद के माध्यम से, चाहे वो कारगर टूर्नामेंट है, चाहे वो शहीद वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो डेंगाव में कराया जाता है, कबड्डी के टूर्नामेंट के कई करवाए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ देखते थे कि बद्रोहा के एरिया में कोई भी लड़का सुबह भागता दौड़ता नजर नहीं आता, लेकिन पिछले 4-5 साल से हमने जो अभियान चलाया है तो आज तक आप सुबह देखें तो कम से कम 200-250 बच्चे के आसपास यहाँ पर सुबह कसरत और दौड़ धूप करता हुआ बच्चा दिखाई देता है, शारीरिक कसरत करता हुआ बच्चा दिखाई देता है। इसके अलावा सुबह का हमारे जो सुबह का शेड्यूल है उसमें आसपास के इंदौरा, नूरपुर, डैगवा, लोधमा, बाड़ीघाट, टिपरी, यहाँ से बच्चे सुबह मेरे पास आते हैं और उनको चाहे वो आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे उनको उसके रिटन टेस्ट की को भी क्वालिफाई करने की जो ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। मेरा नाम रमेश प्रधान,